मेरे प्यार बहन भाई और मित्रों के सो आज हम बात करने वाले हैं सोमपराज एल कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल के क्या फायदे क्या नुकसान जाने वाले हो, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि आपके पेट में गैस बनना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, या फिर गैस के कारण घबराहट होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर सिर चकराना गैस बनते बनते उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों लीवर की कमजोरी के कारण लीवर का सही काम ना करना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों लीवर का खून ना बनना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों पेट की खराबी से जोड़ों में दर्द होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों कमर दर्द मांसपेशियों में दर्द होना पेट की खराबी से उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों हाथों पैरों में दर्द होना पेट की खराबी से उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों नई एवं पुरानी एसिडिटी खट्टी डकारों का आना जी मचलाना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों पेट का बढ़ना उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों पेट का फूलना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों पेट का दर्द व मोटापा होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों पुराने से पुराना कब्ज होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों बवासीर होना कब्ज के चलते चलते उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों कब्ज के चलते चलते पुराना नजला होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों जिगर आंतों व मेदों पर सूजन का होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों गैस के चलते चलते सिर दर्द होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों गैस के चलते चलते पेट में दर्द व आंतों की खुश्की हो जाना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरह के का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जाँच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है वरना सब मिट्टी समान है। तो दोस्तों यदि सोमपराज एल कैप्सूल की इन्फॉर्मेशन फुल जानकारी, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।